डोंट वरी अरुदीप, की सारी अपडेट्स में दिया करूँगा। जस्ट दैट कि कभी कभी थोड़ा सा अपडेट्स आने को भी वक्त लगता है। अभी हम बात करते हैं कि पवनदीप और अरुणिता का जो नेक्स्ट कॉन्सर्ट है। देखो, नेक्स्ट कॉन्सर्ट से ज़्यादा अब उस बारे में बात करना ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पे ये दोनों जजेस बनने वाले हैं। ये बहुत बड़ा इनका टेस्ट, नहीं बोलूँगा मैं, दे आर सो टैलेंटेड। टेस्ट तो उस चीज़ की होती है जहाँ पे मतलब आपके लिए कुछ टेस्टिंग होता है। इनके लिए जज बनना कोई टेस्टिंग नहीं है। मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगा, इसका एग्जैक्टली टाइमिंग वगैरह लोकेशन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको एक अंदाज़ा दे देता हूँ। मैं जितना देख पा रहा हूँ ना, क्योंकि एट प्रेजेंट तो मुझे दिख नहीं रहा है कि डेट नहीं दिया है इन लोगों ने कहीं पे भी। अगर आपको पता होगा तो कमेंट में बता देना, लेकिन नहीं है, क्योंकि ये अगले वीक या फिर उसके एक्चुअली अभी रजिस्ट्रेशन फीस है कुछ 500 रुपीज़ जिन लोगों को वो कॉन्सर्ट में जाना है। एनीवे, चलो पहले बात कर लेते हैं। देखो, सुरों के चमकते सितारे, यूपी एंड उत्तराखंड लोगों के लिए ही है ये बेस्ट बिगेस्ट सिंगिंग शो। ओके, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी क्वेरी। आपको नंबर दे दूँ क्या वहाँ पे? www.चमकतेसितारे.in वाला एंगल उन्होंने दिया है। यहाँ पे क्या है, मैं एक डायरेक्ट पोस्टर ही बना देता हूँ इसका थंबनेल, ताकि बेवजह का ये ना हो। पवनदीप राजन सिंगर एंड म्यूजिक मेंटर होने वाले हैं। अरुणिता सिंगर एंड म्यूजिक मेंटर। रजिस्टर करने को बोला गया है आप लोगों को दोस्तों, 500 रुपीज़ शायद रजिस्ट्रेशन फीस है। मंगल मिश्रा सिंगर म्यूजिक मेंटर एंड म्यूजिक डायरेक्टर। ओके, और ये जो है P2P इवेंट्स प्रेजेंट सुरों के चमकते सितारे। ओके, यूपी एंड उत्तराखंड वालों के लिए ही है। ओके, ये मतलब आप यूपी एंड उत्तराखंड से होंगे तो ये आपका वो आईडी वो लोग देखेंगे और आप लोग ही सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हो। हाँ, वहाँ पे जो भी पब्लिक होगी, ऑडियंस होगी, मुझे उसको लेके नहीं है डाउट कि मुझे लगता है कोई बाहर से भी आ सकता है, बट जो सिंगिंग करने वाले वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो यूपी वाले ही होने चाहिए। ये यहाँ पे उन लोगों ने कंडीशन रखी है। इसका जो अपडेट है वो अगले 1-2 दिन में हमें क्लियर देखने को मिलेगा, टाइमिंग क्या है क्या नहीं, क्योंकि अभी तक वहाँ पे दिखाया नहीं गया है। लेकिन और रजिस्ट्रेशन उन लोगों ने बोला है, आप वो जो नंबर दिए गए हैं वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन के लिए। और उन्होंने ये भी बोला है कि वो वेबसाइट भी उन्होंने दिया है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी कर सकते हो। पवनदीप अरुणिता वहाँ पे जजेस हैं, जज बनने वाले हैं, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर ये ऐसे टाइप के इनको काम मिलते रहेंगे ना, तो इनको बॉलीवुड की ज़रूरत नहीं, ये बॉलीवुड से बड़े हैं। ये मैं बार बार चाहता था कि ये ऐसा कुछ करे कि जिससे मतलब एक तरीके से एक मैसेज पहुंचता है कि भाई वी आर बिगर देन दैट सो कॉल्ड जो SSS 3 था, क्योंकि वहाँ पे ये एज अ कैप्टन थे। ये डिजर्व करते हैं कि एज अ जज कहीं पे रहे, या फिर एक तो बड़े लेवल पे बॉलीवुड वगैरह में रहे, या फिर मैं कहूँगा एक बात, ये इतने बिजी होते हैं लाइफ में कि ये बॉलीवुड इनके लिए है भी नहीं, क्योंकि इनके कॉन्सर्ट्स इवेंट्स देखो लोग पागल है इन लोगों के लिए। तो मैं ये भी मानता हूँ कि अगर ये बॉलीवुड में नहीं भी जाते तो उल्टा उनका फ़ायदा जो हो रहा है, क्योंकि चॉकलेट इवेंट से मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। उनका ये तो कंफर्म है कि उनका इंटरनेशनल लेवल पे भी हाई लेवल पे चॉकलेट इवेंट्स वालों का सेटिंग है बोलो, या ये बोलो पहचान है वो। और इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पे भी आपने देखा है कि इनके शायद कैनबेरा वाला एक कॉन्सर्ट इवेंट हुआ था ना कुछ ऑस्ट्रेलिया में भी। तो भाई कहने का मतलब ये है कि ये बॉलीवुड से ज़्यादा तो ये लोग बिजी है, तो इट्स बेटर कि ये बॉलीवुड में ना भी जाए तो भी ये बड़े ही बनेंगे। आपने देखा है इनका क्रेज़, और जो लास्ट के 2 दिन में जो दो इवेंट्स थे, पब्लिक पागल हो गए भाई इन लोगों के लिए। और मैं एक बात बोल रहा हूँ, आप इनके इवेंट्स देखो और इनके साथ जो जो इंडियन आइडल में थे या फिर इनके जो साथी लोग हैं उनके इवेंट्स देखो, टिकट रेट्स देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, पब्लिक का क्रेज़ देखो। ये नहीं है भाई कि ऐसे ही बने हैं। देखो भाई ये दोनों, हाँ एक बात है, कुछ लोगों का ये कहना है कि पवनदीप प्लस अरुणिता होंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, भाई ये फैक्ट है। आप नहीं बोल सकते हो कि अकेले पवनदीप या अकेले अरुणिता, अरुदीप वाली जो ताकत है वो अलग है। अकेले पवनदीप हो या अकेले अरुणिता हो, वो ताकत सच में अलग है। आप अरुदीप की कंपेयर अरुणिता से,
आरुद्वीप की कंपेयर पवनदीप से बिल्कुल मत करो, तो फिर डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस। बट ये दोनों जो है ना, जहाँ जहाँ कॉन्सर्ट्स हो, इवेंट्स हो, ओके, इन ये लोगों को देखो आप कहीं पे भी, इवन इन एल्बम्स आल्सो देखो, आजकल एल्बम जब भी इनको मिलते साथ ही मिलते हैं, तो लोगों को भी पता है ना कि किसको कितना इंपॉर्टेंस देना। व्यूज के लिए भी बाय चांस कोई यूट्यूब चैनल है, लेबल है, किसी के साथ अगर ये काम कर रहे, डील कर रहे, अरुदीप को ही मिलते हैं सॉन्ग्स। हाँ, पवनदीप को स्पेशल भी मिलते हैं, अरुणिता को भी मिलते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द अरुदीप को मिलते। तो भाई वो तो अब जो मेकर से उनको भी पता चल चुका है, ये दोनों है तो सब है, ये दोनों में से एक भी है तो है बहुत कुछ, बट कुछ तो अधूरा है। ये तो भाई मेकर्स को भी पता चलने लगा, इसलिए तो आरुदीप के ही इवेंट्स होने लगे। बहुत रेयरली पवनदीप की अकेले की इवेंट होती है या अरुणिता की अकेली की होती है। आरुदीप वाली कॉन्सर्ट वो ओपनली लिखा हुआ रहता है, आरुदीप कॉन्सर्ट्स, उनके कॉन्सर्ट, हैशटैग आरुदीप, अच्छा लगा देख के। एनीवे चलो यही है, मैं अपडेट देता रहूँगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को शेयर करो। टेक केयर।